लोकसभा शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक शाहजहांपुर लोकसभा सीट है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई। शाहजहांपुर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो शुरुआती 3 चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 1977 में सरकार विरोधी लहर में कांग्रेस को यहां से भी हार का सामना करना पड़ा और जीत जनता दल के खाते में गई। हालांकि 3 साल बाद 1980 में जब देश में फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जीत के साथ वापसी की। 1980 के बाद 1984 में भी कांग्रेस के टिकट पर जितेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की। वहीं अगर पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत समाजवादी पार्टी के खाते में गई। वहीं 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कृष्णा राज ने सीट पर जीत हासिल की। शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें कटरा, जलालाबाद, तिलहर, उवाया, शाहजहांपुर और ददरौल विधानसभा सीटें शामिल हैं। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 20,97,166 है, जिसमें मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,48,951 है, महिला मतदाताओं की संख्या 9,48,032 और ट्रांसजेंडर के कुल 183 मतदाता शामिल हैं। अब एक नज़र पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में सीट पर बीजेपी की कृष्णा राज ने 5,25,132 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बसपा के उमेश सिंह कश्यप 2,89,603 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सपा के मिथिलेश कुमार को 2,42,913 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो सपा के मिथिलेश कुमार ने 2,97,033 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बसपा की सुनीता सिंह 1,86,454 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि बीजेपी की कृष्णा राज को 1,68,434 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। अगर बात साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव की करें तो शाहजहांपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने 2,20,763 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं सपा के राममूर्ति सिंह वर्मा 1,38,931 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बसपा के सत्यपाल सिंह यादव को 1,27,472 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।